नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप राकेश कुमार सिंह से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार का नया दिशा निर्देश, कोविड 19 के कम असर वाले मरीजों को अब आसानी से मिलेगी छुट्टी। बेहतर इलाज और एहतियात के कारण बिहार में आधे से अधिक संक्रमित स्वस्थ होकर घर लौटे। 311 लोगों को दी गई अस्पताल से छुट्टी। प्रदेश में 37 जिले कोविड 19 महामारी की चपेट में। मुजफ्फरपुर जिले में भी फैला संक्रमण, संक्रमित लोगों का आंकड़ा बढ़कर 629 हुआ। और देश के विभिन्न हिस्सों में 14 रेलगाड़ियां 17,000 से अधिक प्रवासी कामगारों को लेकर राज्य के विभिन्न स्टेशनों पर पहुंचेगी। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड 19 के रोगियों को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी देने के नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। नए दिशा निर्देशों के अनुसार मामूली और बहुत कम लक्षण वाले रोगियों को उनकी स्वास्थ्य स्थिति के अनुसार बिना कोविड परीक्षण के छुट्टी दे दी जाएगी। कोविड देखभाल केंद्र में भर्ती कराए गए ऐसे मरीजों के तापमान और रक्त में ऑक्सीजन अवशोषण पर नियमित नजर रखी जाएगी। लक्षण उभरने के 10 दिन बाद और 3 दिन से बुखार नहीं रहने पर रोगी को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। डिस्चार्ज करने से पहले इनके परीक्षण की जरूरत नहीं होगी। ऐसे रोगियों को अगले 7 दिन तक घर में अलग रहने की सलाह दी जाएगी। यदि बुखार, खांसी या सांस लेने में फिर कठिनाई होती है तो उन्हें कोविड देखभाल केंद्र या राज्य हेल्पलाइन नंबर या 1075 पर संपर्क करना होगा। संशोधित दिशा निर्देशों के अनुसार मध्यम लक्षण वाले रोगियों के तापमान और ऑक्सीजन अवशोषण क्षमता पर नजर रखी जाएगी। यदि बुखार 3 दिन में खत्म हो जाता है तो अगले 4 दिन तक रोगी में ऑक्सीजन अवशोषण 95% से अधिक बना रहता है तो रोगी को लक्षण उभरने के 10 दिन बाद छुट्टी दे दी जाएगी। ऑक्सीजन पर रखे गए जिन रोगियों का बुखार 3 दिन में नहीं उतरता है और कृत्रिम सांस की जरूरत बनी रहती है, उन्हें रोग के लक्षण पूरी तरह समाप्त होने और लगातार 3 दिन तक स्वाभाविक ऑक्सीजन अवशोषण क्षमता बने रहने पर डिस्चार्ज किया जाएगा। गंभीर रोगियों को उनके पूरी तरह स्वस्थ होने और आरटीपीसीआर परीक्षण के बाद ही अस्पताल से छुट्टी दी जाएगी। बिहार में कोरोना महामारी से संक्रमित लोगों में से आधे से अधिक स्वस्थ हो चुके हैं। अब तक 311 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी दी जा चुकी है। पॉजिटिव मरीजों के ठीक होने की संख्या बढ़ रही है। स्वस्थ होने वाले मरीजों का प्रतिशत राज्य में 54 है जबकि राष्ट्रीय प्रतिशत 30 है। वहीं राज्य में कोविड 19 से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 629 हो गई है जबकि इस संक्रमण से प्रदेश में अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। अब से थोड़ी देर पहले जारी स्वास्थ्य विभाग के बुलेटिन के अनुसार राज्य में 18 नए मामले सामने आए हैं। सहरसा और मधेपुरा में 7-7 जबकि दरभंगा में 2 महामारी की पुष्टि हुई है। वहीं बेगूसराय और अररिया में 1-1 नया मामला सामने आया है। राज्य के मुजफ्फरपुर में 3 नए मामले मिलने के बाद 38 में से 37 जिलों में कोरोना वायरस प्रवेश कर चुका है। जमुई जिला अभी तक इससे अछूता है। वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर नरेश गुप्ता ने कहा है कि जो लोग कोविड महामारी से स्वस्थ हो चुके हैं उनके साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। डॉक्टर गुप्ता ने कहा कि कोरोना वायरस से स्वस्थ हुए लोगों में इस महामारी के प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। देखिए, कोविड वाला मरीज स्ट्रांग होकर निकलता है तो वो और अच्छा निकल के चलता है। तो ये कोविड का मरीज जो निकल के आता है उसको वो मास्क लगाना है, जो थूकना नहीं है कहीं पे, खकारना नहीं है कहीं पे, छींकना नहीं है और दूसरे को बचा के रखना है, वो करता रहेगा तो उसमें और भी उसको फायदे रहेंगे। हाथ भी आप धोते रहिए साबुन पानी से। राज्य के लोगों में कोरोना संक्रमण का पता लगाने के लिए घर घर जाकर सर्वेक्षण किया जा रहा है। अब तक 10 करोड़ 40 लाख से अधिक लोगों का सर्वेक्षण किया जा चुका है। लगभग 4,000 लोगों को कोरोना संदिग्ध पाया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने अन्य राज्यों और विदेश से लौटने वाले श्रमिकों, विद्यार्थियों और प्रवासियों की जांच कराने को कहा है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि दिशा निर्देशों तथा नियमों के अनुसार ऐसे लोगों को क्वारंटाइन में रखा जाना चाहिए। उन्होंने राज्यों से अपील की है कि वे आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने के लिए अधिक से अधिक लोगों को प्रेरित करें। राज्य में प्रखंड स्तर पर 3407 क्वारंटाइन सेंटर काम कर रहे हैं। इनमें 72,700 लोग रखे गए हैं जिनके लिए लगभग 1.5 करोड़ से अधिक कार्य दिवस रोजगार का सृजन किया जा चुका है। सूचना और जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने बताया कि क्वारंटाइन सेंटरों पर बढ़ रही भीड़ को देखते हुए राज्य सरकार विशेष व्यवस्था करने जा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य के 1,24,00,000 राशन कार्डधारी परिवारों के खाते में 1,000 रूपये की सहायता राशि भेजी गई है जबकि लॉकडाउन के समय में रोजगार के लिए 1.5 करोड़ से अधिक श्रम दिवस सृजित किए गए हैं। वहीं खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने कहा है कि जिन राशन कार्ड धारकों के पास बैंक खाता
संख्या और आधार नम्बर नहीं होगा, उन्हें भी एक एक हजार रूपये की सहायता राशि देने की व्यवस्था की जा रही है। राज्य के नवादा जिले में क्वारेंटाइन सेंटर पर एक संक्रमित मिलने के बाद वहां भगदड़ मच गई। केंद्र पर रखे गए 100 प्रवासी मजदूर भाग गए, जिन्हें बाद में अधिकारियों ने वापस लाया। वहीं मधुबनी जिले के क्वारेंटाइन केंद्र पर एक व्यक्ति की मौत हो गई। इधर रोहतास जिले में खराब खाने को लेकर तुम्बा के क्वारेंटाइन केंद्र पर प्रवासी श्रमिकों ने हंगामा किया। मधुबनी जिले के झंझारपुर के ललित नारायण जनता कॉलेज में बनाए गए केंद्र पर प्रवासी कामगारों ने लापरवाही का आरोप लगाकर हंगामा किया। राज्य के 15 रेलवे स्टेशनों को कोरोना संकट से निपटने के लिए तैयार किया गया है। इन स्टेशनों पर कोविड केयर सेंटर स्पेशल ट्रेन खड़ी होगी, जिनकी जिम्मेवारी जिला प्रशासन की होगी। इन ट्रेनों में कोरोना पॉजिटिव के अलावा संदिग्ध मरीजों को रखा जाएगा। एक डिब्बे में एक ही कोरोना पॉजिटिव मरीज रखा जाएगा। अगर आवश्यकता पड़ी तो अधिक से अधिक दो मरीजों को रखा जाएगा। इस स्पेशल ट्रेन को एक कोविड अस्पताल के साथ जोड़ा जाएगा, जिससे आपातकाल में मरीज को तुरंत उस अस्पताल में भेजा जा सके। मरीजों के लिए खाने का इंतजाम IRCTC करेगी, जबकि सुरक्षा का जिम्मा रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स RPF का होगा। देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे प्रदेश के प्रवासी कामगारों को लेकर आज 14 ट्रेनें राज्य के विभिन्न स्टेशनों पर पहुंच रही हैं। इन ट्रेनों से 17,000 से अधिक प्रवासी कामगार आ रहे हैं। राज्य में आने वाली पहली ट्रेन आज सुबह गुजरात के गांधीधाम से चलकर दानापुर स्टेशन पर पहुंची है, जहां से जिला प्रशासन ने श्रमिकों को उनके गृह जिलों में भेजने की व्यवस्था की है। वहीं विशाखापट्टनम से मोतिहारी, रेवाड़ी से मुजफ्फरपुर और खगड़िया, भिवानी से पूर्णिया, थाने से बड़ौनी जंक्शन पर ट्रेनें पहुंचेगी। राज्य में अब तक 81 ट्रेनों से 97,000 श्रमिक और छात्र आ चुके हैं। वहीं राजस्थान के कोटा से बिहार के छात्रों को लेकर आज 3 ट्रेनें खुल रही हैं। इनमें से एक समस्तीपुर, एक सीवान और एक पटना के दानापुर तक आएगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। केंद्रीय खाद्य और सार्वजनिक वितरण मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने कहा है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत देश में भर में करीब 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क अनाज और दालें उपलब्ध कराने का व्यापक कार्यक्रम चलाया जा रहा है। श्री पासवान ने कहा कि भारतीय खाद्य निगम पूर्णबंदी के दौरान मालगाड़ियों के जरिए देश के विभिन्न स्थानों पर अनाज की आपूर्ति सुनिश्चित कर रहा है। रेल मार्ग के द्वारा कुल मिलाकर के करीब करीब 74 लाख मेट्रिक टन अनाज का उठाव लॉकडाउन के बाद में हम लोग कर चुके हैं, और उसमें से जो रैक का इस्तेमाल किया गया है वो 2,641 रेल रैक का इस्तेमाल किया गया है। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री सदानंद गौड़ा ने कहा है कि खरीफ मौसम की बुवाई के समय किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध होगा। श्री गौड़ा ने कहा कि खाद की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उनका मंत्रालय कृषि मंत्रालय के अलावा केंद्र तथा राज्य सरकारों के अन्य संबंधित विभागों के साथ लगातार संपर्क बनाए हुए हैं। लॉकडाउन में गरीब और श्रमिक वर्ग के लोगों को कोई परेशानी न हो, इसके लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत सहायता प्रदान की जा रही है। सहरसा और गया जिले के लाभार्थियों ने बताया कि उन्हें गरीब कल्याण योजना पैकेज के तहत मदद मिलने से बहुत राहत मिली है। मेरा नाम गुलाब चंद सादा है। सहरसा गंजला वार्ड नंबर 12 में हमारा निवास स्थान है। हम लोगों को जनधन खाता से सहायता मिला है, इसके लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद देता हूँ। हमको नाम कांति देवी है, हथियार के रहने वाला है। हमको गैस मिल गया फ्री में और 500 रूपये जनधन भी मिल गया, इसके लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद देता हूँ। वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञ और एम्स नई दिल्ली के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने लोगों से अपील की है कि कोविड-19 के संक्रमण के लक्षण दिखने पर वे तुरंत इसकी जानकारी दें। अगर कोई सिम्टम है जो कोविड-19 के हो सकते हैं, वो आगे आए, अपना टेस्ट कराएं, अपने आप को अगर जरूरत है एडमिट करें, आइसोलेट करें, उससे उनकी जान भी बच सकती है और उनके जो घर के नियर और डियर वन है उनकी सुरक्षा भी होगी, क्योंकि अगर वो अपने आप को आइसोलेट करेंगे तो और लोगों में इन्फेक्शन जो है वो नहीं फैलेगा। केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया पर वायरल उस ऑडियो मैसेज को खारिज कर दिया है, जिसमें दावा किया गया था कि केंद्र कोविड-19 मरीजों के लिए राज्यों को 3 लाख रुपए प्रति मरीज उपलब्ध करा रहा है। सरकार ने इस खबर को निराधार बताया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि सरकार का ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि देश में विमान सेवाएं फिर से शुरू करने की तैयारी की जा रही है। श्री पुरी ने एक निजी चैनल से भेंट में कहा कि नगर विमानन मंत्रालय विमान यात्रा के तरीकों में सुरक्षित दूरी के नियमों के अनुसार कुछ बदलाव तय करेगा, संचालन प्रक्रिया में भी कुछ बदलाव किए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हवाई अड्डे खुलने पर बड़ी संख्या में एक साथ यात्रियों को
आने की इजाजत नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा है कि एयरलाइनों से बातचीत के बाद इन चीजों पर अंतिम फैसला किया जाएगा। राज्य में 2500 कारखानों को शुरू करने की अनुमति सरकार ने दे दी है, जिसमें 480 पटना जिले में स्थित है। इन कारखानों में 33% मजदूरों के साथ काम करने का आदेश दिया गया है। पटना के बिहटा स्थित एक साइकिल कंपनी और एक टेलरिंग यूनिट में काम शुरू हो गया है। कारखानों के मालिकों को काम के दौरान शारीरिक दूरी बनाए रखने का कड़ा निर्देश दिया गया है। राज्य में स्किल सर्वे के आधार पर रोजगार सृजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह निर्देश अधिकारियों को दिया है। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद श्रम विभाग ने राज्य से बाहर आए भवन निर्वाहन विभाग से निर्माण से जुड़े कामगारों के निबंधन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। निबंधन के दौरान कुशल और अर्धकुशल श्रमिकों की पहचान की जाएगी। विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि केंद्र सरकार की ओर से शुरू किए गए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत 18 से 40 वर्ष तक के मजदूरों को जोड़कर पेंशन की व्यवस्था करना है। प्रदेश में जीविका की महिलाओं ने 24 लाख मास्क बनाकर 2 करोड़ 30 लाख रुपए की आमदनी की है। ग्रामीण विकास विभाग और संसदीय कार्य मंत्री श्रवण कुमार ने बताया कि कोरोना वायरस का प्रभाव बढ़ने के बाद जीविका समूहों को सरकार ने सस्ती दर पर मास्क बनाने का जिम्मा दिया था। उन्होंने कहा कि जीविका समूहों की ओर से बनाए गए मास्कों की मांग सरकारी और अर्ध सरकारी कार्यालयों में ज्यादा है। लॉकडाउन को ध्यान में रखते हुए 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन अध्यापक घर से ही करेंगे। पहले हो चुकी परीक्षाओं की 1.5 करोड़ से अधिक उत्तर पुस्तिकाएं मूल्यांकन के लिए अध्यापकों के घर भेजी जाएंगी। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 3000 मूल्यांकन केंद्र बनाए हैं, जहां से उत्तर पुस्तिकाएं अध्यापकों के घर भेजी जाएंगी। श्री निशंक ने कहा कि यह प्रक्रिया आज से शुरू होगी और इसके 50 दिनों में पूरे होने की संभावना है। दरभंगा जिले के जाले थाना क्षेत्र अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सक और स्थानीय पुलिस के बीच झड़प के मामले में SSP ने आरोपी सहायक अवर निरीक्षक को निलंबित कर दिया है। गौरतलब है कि मारपीट के घटना के बाद कल चिकित्सकों ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में काम ठप कर दिया था। राज्य में जिन वृद्धों के उंगलियों के निशान मिट चुके हैं, उन्हें 3 कार्य दिवस में जन वितरण प्रणाली की दुकानों से अनाज मिलेगा। इसकी जिम्मेदारी अनुमंडल पदाधिकारी और जिला आपूर्ति पदाधिकारियों की होंगी। खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री मदन सहनी ने कहा कि बुजुर्ग लाभार्थियों को सुबह 7 बजे से 10 बजे के बीच अनाज देने की व्यवस्था की गई है। राज्य में AES से वैशाली जिले के एक बच्ची की मौत मुजफ्फरपुर के श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज में हो गई। इस प्रकार अब तक 4 बच्चों की मौत AES से हो चुकी है। मेडिकल कॉलेज में अब तक 21 बच्चों को भर्ती कराया जा चुका है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। हिन्दुस्तान ने कोरोना वायरस संक्रमण पर बड़ी खबर दी है। पुलिस लाइन और BMP परिसर में होगा सघन सर्वे। दैनिक जागरण की सुर्खी है प्रदेश में चलने लगा उद्योगों का पहिया। दैनिक भास्कर ने 2 प्रकार से ही वाहन पास मिलने को शीर्षक बनाया है। अखबार के अनुसार मौत या इलाज, वाहन पास के अब 2 ही विकल्प। इसी अखबार ने नए राशन कार्ड बनाने में कोताही बरतने वालों के खिलाफ मुख्यमंत्री की चेतावनी को पहले पन्ने पर स्थान दिया है। अखबार की सुर्खी है नए राशन कार्ड में जो बाधा बनेंगे उन पर कार्रवाई होगी। प्रभात खबर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हवाले से लिखा है स्किल सर्वे के आधार पर प्रवासियों को मिले स्थायी रोजगार। इसके साथ ही सभी अखबारों ने आज मदर्स डे पर अलग अलग रिपोर्ट प्रकाशित की है। और अब अंत में मुख्य समाचार। केंद्र सरकार का नया दिशा निर्देश, COVID-19 के कम असर वाले मरीजों को अब आसानी से मिलेगी छुट्टी। बेहतर इलाज और एहतियात के कारण बिहार में आधे से अधिक संक्रमित स्वस्थ होकर घर लौटे। 311 लोगों को दी गई अस्पताल से छुट्टी। प्रदेश में 37 जिले COVID-19 महामारी की चपेट में। मुजफ्फरपुर जिले में भी फैला संक्रमण। संक्रमित लोगों का आंकड़ा बढ़कर 629 हुआ। और देश के विभिन्न हिस्सों में 14 रेलगाड़ियां 17,000 से अधिक प्रवासी कामगारों को लेकर राज्य के विभिन्न स्टेशनों पर पहुंचेगी। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।